हेलो एवरीवन, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे OSI मॉडल के बारे में। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कोई अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे रहे हो जिसमें कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है तो वहाँ पे भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो OSI मॉडल जो होता है, इट इज़ अ 7-लेयर आर्किटेक्चर। इसमें 7 लेयर्स होती हैं और इसका जो पूरा नाम है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। सो इट इज़ अ लेयर्ड फ्रेमवर्क, इट इज़ अ लेयर्ड फ्रेमवर्क फॉर द डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क सिस्टम्स डेट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। तो जितने भी टाइप के कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक लेयर्ड फ्रेमवर्क बनाया गया है और उसको हम OSI मॉडल बोलते हैं। इसका जो एक मेन फीचर है वो है कि इसके अंदर 7 डिफरेंट लेयर्स होती हैं, सेपरेट लेयर्स होती हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट ईच लेयर कॉल्स अपॉन द सर्विसेज ऑफ द लेयर जस्ट बिलो इट, कि जो हर लेयर है वो अपने से नीचे की लेयर की सर्विसेज को यूज़ करती है। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक डेफिनेशन। नाउ लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स। जो 7 लेयर्स हैं वो एक्चुअली उन लेयर्स का नाम क्या है, और आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस याद नहीं होगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो देखो, सीक्वेंस को याद करने के लिए आप कुछ भी एक अपना एक तरीका बना सकते हो। तो जैसे जब हम पढ़ते थे, जब हमारे टाइम पे ये सब्जेक्ट हमने पढ़ा था, तब एक बहुत कॉमन एक तरीका चलता था इसको याद करने का, और वो मैं आपको बता दूँ कि क्या था। ऐसे मैं लिखता हूँ, देखो शुरू में ऑल, ए से ऑल, पीपल सीम्स टू नियर डोमिनोज पिज़्ज़ा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कहीं पे ऑल पीपल सीम्स टू नियर डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, आप अपना कोई दूसरा तरीका भी बना सकते हो इसको याद करने का। और इसके देखो, हर वर्ड का पहला अक्षर आपको याद होना चाहिए, ए पी एस टी एन डी पी। ठीक है, सो अब देखते हैं कि इनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं। एक बार इसकी आप सीक्वेंस याद हो जाएगी तो आप इसकी फुल फॉर्म भी लिखोगे। ए से होता है एप्लीकेशन लेयर। तो सबसे पहली क्या है, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के नीचे होती है प्रेजेंटेशन लेयर। सो प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद है सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, और सबसे नीचे होती है फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये 7 लेयर्स होती हैं और आपको इन लेयर्स की सीक्वेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो कम्युनिकेशन होता कैसे। बेसिकली सेंडिंग साइड पे भी जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होगा उसमें ये 7 लेयर्स होंगी, और रिसीविंग साइड पे भी जो कम्युनिकेशन कंप्यूटर सिस्टम होगा वहाँ पे भी ये 7 लेयर्स होती हैं, और ये लेयर्स आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। ठीक है, सो डाटा जो होता है आपका वो यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करता है, एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल, एंड देन गोज अपवर्ड्स इन द रिसीविंग साइड। तो ये 7 लेयर्स हो गई। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बात करता हूँ, दैट क्वेश्चन होता है सिंपल, एक्सप्लेन OSI मॉडल विद द फंक्शनैलिटी ऑफ ईच लेयर, कि हर लेयर की फंक्शनैलिटी बतानी है और आपको OSI मॉडल का आर्किटेक्चर ड्रॉ करना है। तो आर्किटेक्चर तो कुछ नहीं है, आप इस सिंपल ऐसा एक लेयर इसको ड्रॉ करके दिखा सकते हो कि कौन सा लेयर, कौन से नंबर की लेयर कौन सी होती है। देन आपको पता होना चाहिए हर लेयर का फंक्शन क्या होता है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है।
तो शुरू करते हैं फिजिकल लेयर से। ना फिजिकल लेयर जो होती है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोट टू द नेक्स्ट, कि जो बिट्स हैं उनको मूव करती है एक नोट से दूसरी नोट तक। सो इसकी फंक्शंस क्या क्या हैं, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? सबसे पहली जो फंक्शनैलिटी है दैट इट डिफाइंस द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। सो मैं सिंपल पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आप जब एग्ज़ाम आएगा तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। सो कौन से टाइप का ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ करना है उसको ये डिफाइन करता है फिजिकल लेयर, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं वो हम आगे देखेंगे, बट उनमें से कौन सा यूज़ करना है वो फिजिकल लेयर डिसाइड करते हैं। देन इसके बाद है कौन सी टाइप की एनकोडिंग यूज़ होनी है, सो इट डिफाइंस द टाइप ऑफ एनकोडिंग टू बी यूज, कि जब हम डाटा को भेजते हैं तो डाटा की कुछ एनकोडिंग करते हैं, उसको 0-1 के फॉर्म में एनकोड करते हैं, तो वो कौन सी टाइप की एनकोडिंग होती है वो भी फिजिकल लेयर डिसाइड करता है। देन इट डिफाइंस द ड्यूरेशन ऑफ बिट और द डेटा रेट, सो इट डिफाइंस द डेटा रेट। नाउ डाटा रेट क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स सेंट पर सेकेंड, ठीक है। तो कितनी बिट्स पर सेकेंड भेजनी है वो भी फिजिकल लेयर डिसाइड करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ बिट्स सेंट ईच सेकेंड, ठीक है। नाउ द फोर्थ फंक्शनैलिटी ऑफ फिजिकल लेयर इज दैट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, कि जो सेंडिंग साइड की सीक्वेंस नंबर है बिट्स की वही रिसीविंग साइड की भी सीक्वेंस नंबर होनी चाहिए, एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। देन इसके बाद ये डिसाइड करता है लाइन कॉन्फ़िगरेशन, सो लाइन कॉन्फ़िगरेशन। नाउ लाइन कॉन्फ़िगरेशन होता है कि जो आपका कनेक्शन है मीडिया के साथ वो कैसा है। सो बेसिकली दो डिफरेंट टाइप के लाइन कनेक्शन लाइन कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, सो पॉइंट टू पॉइंट लाइन कनेक्शन लाइन कॉन्फ़िगरेशन, या एक होता है मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें से कौन सी चूज करनी है ये भी फिजिकल लेयर के ऊपर डिसाइड होता है, ठीक है। देन इसके बाद है फिजिकल टोपोलॉजी, कि जो नेटवर्क है उसकी टोपोलॉजी हम क्या डिसाइड करेंगे। सो आगे डिटेल में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी क्या होती है, बट यहाँ पे मैं तो बता देता हूँ कौन कौन सी होती हैं। एक होती है मैश टोपोलॉजी, स्टार, बस, रिंग। सो ऐसे इन टोपोलॉजी में से कौन सी टोपोलॉजी को यूज़ करके कम्युनिकेशन करना है वो फिजिकल लेयर डिसाइड करता है। देन द सेवंथ इज ट्रांसमिशन मोड, कि जो ट्रांसमिशन होगा उसका मोड क्या होगा, ठीक है। सो ट्रांसमिशन मोड क्या क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हैं, सिंप्लेक्स, देन वी हैव दिस हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं फिजिकल लेयर की। तो आप इसमें देख सकते हो जो फिजिकल लेयर है बेसिकली किससे डील कर रही है, कि डाटा आपका कैसे ट्रांसमिट करना है। तो हम देखो सिंपल, अगर आप हिंदी में पढ़ोगे, मतलब हिंदी में आप अगर इसकी एक सीक्वेंस बना लो या इंग्लिश में आप इसकी एक सीक्वेंस बना लो तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा डाटा किस पे भेजना है, डाटा कैसे भेजना है, डाटा किस स्पीड से भेजना है, डाटा को कैसे सिंक्रोनाइज करना है, कॉन्फ़िगरेशन हम क्या रखेंगे, सिंगल पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट, देन टोपोलॉजी एंड ट्रांसमिशन मोड। सो दिस इज अबाउट द फिजिकल लेयर। देन इसके बाद देखते हैं डाटा लिंक लेयर के बारे में। डाटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर से जस्ट अबव होती है, और ये क्या करता है, ये जो नेटवर्क लेयर से जो आपका स्ट्रीम ऑफ बिट्स रिसीव होती है उसको फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट करता है। तो उसका जो सबसे मेन फंक्शनैलिटी वो है फ्रेमिंग। सो द डाटा लिंक लेयर ट्रांसफॉर्म्स द फिजिकल लेयर इनटू अ रिलायबल लिंक, कि फिजिकल लेयर की रिलायबिलिटी को इंक्रीज करता है बेसिकली। सो इसके भी फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है इसका फ्रेमिंग। नाउ फ्रेमिंग इज
कन्वर्जन ऑफ बिट्स टू फ्रेम. सो कन्वर्जन ऑफ बिट्स टू फ्रेम कि जो भी स्ट्रीम ऑफ बिट्स नेटवर्क लेयर से आ रही है, जो इस डाटा लिंक लेयर से ऊपर होती है, उसको फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट करना. ठीक है, देन वी हैव दिस फिजिकल एड्रेसिंग. सो डाटा लिंक लेयर क्या करता है, इट एड्स अ हेडर टू द फ्रेम टू डिफाइन द सेंडर और रिसीवर ऑफ द फ्रेम. कि जो सेंडर और रिसीवर है उसका फिजिकल एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ हेडर ऐड कर देता है. ठीक है, सो दैट इज फिजिकल एड्रेसिंग. सो अ हेडर इज एडेड टू द फ्रेम. हेडर इज एडेड टू फ्रेम. और इस हेडर के अंदर क्या होता है, सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है. देन वी हैव दिस फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल. नाउ दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम फ्रेमिंग इन द डाटा लिंक लेयर. और इसके बारे में हम आगे भी काफ़ी डिटेल के अंदर करेंगे, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल. सो फ्लो कंट्रोल होता है द डाटा एट विच द रेट एट विच डाटा शुड बी सेंट. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका सेंडर है वो डाटा को इतनी तेज स्पीड में भेजे कि रिसीवर उसको हैंडल ना कर पाए. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डाटा आप इतनी स्लो स्पीड में भेजो कि रिसीवर आइडियल बैठा रहे. सो एक ऑप्टिमम फ्लो कंट्रोल, एक ऑप्टिमम डाटा रेट होना चाहिए. सो दैट इज फ्लो कंट्रोल. डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जो आगे हम डिटेल में करेंगे इसके बारे में. सो दिस इज फ्लो कंट्रोल. देन वी हैव दिस एरर कंट्रोल. अब जब हमने बात की थी कि रिलायबल लिंक है, ये रिलायबिलिटी एरर कंट्रोल से आती है. तो अगर डाटा आपका डैमेज हुआ है, डाटा आपका लॉस्ट हुआ है, या फिर आपके डाटा में कोई चेंज हो गया, कोई बिट चेंज हो गई, तो वो एरर कंट्रोल की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जैसे चेकसम, CRC. सो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिससे हम फ्लो और एरर कंट्रोल को कर सकते हैं. उसके बाद आता है एक्सेस कंट्रोल. सो एक्सेस कंट्रोल बेसिकली क्या होता है कि किस डिवाइस का कंट्रोल है किस लिंक के ऊपर. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक डिवाइस जिसको एक्सेस नहीं था और वो भी एक्सेस कर रहा है तो वो प्रॉब्लम होगा. तो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्सेस कंट्रोल देखते हैं. सो बेसिकली इसमें तो आता है कि फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल. तो मतलब ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल. ठीक है, देन कम्स द नेटवर्क लेयर. अब नेटवर्क लेयर जो होती है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट्स करती है. तो इसमें आप ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट. ठीक है, सो अब देखो डाटा लिंक लेयर के ऊपर हमने करी थी फिजिकल एड्रेसिंग, नेटवर्क लेयर के ऊपर होती है लॉजिकल एड्रेसिंग. तो अब अगर हमें देखो डाटा भेजना है आउटसाइड आवर सिस्टम, आउटसाइड आवर नेटवर्क सिस्टम, तो हमें क्या चाहिए, उसका लॉजिकल एड्रेस चाहिए, उसका IP एड्रेस चाहिए. और वो काम करता है नेटवर्क लेयर. सो इट एड्स अ हेडर, एक एक्स्ट्रा हेडर हेड कर देता है किसके ऊपर, पैकेट के ऊपर. जो पैकेट आ रहा है कहाँ से, ट्रांसपोर्ट लेयर से. ठीक है, सो इट एड्स द हेडर. लॉजिकल एड्रेसिंग में सिंपल क्या करता है, ये इट एड्स द हेडर टू द पैकेट कमिंग फ्रॉम अपर लेयर. और इस हेडर के अंदर सेंडर और रिसीवर का लॉजिकल एड्रेस होता है. देन द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नेटवर्क लेयर इज राउटिंग. सो राउटिंग होता है कि कौन सा रूट आपको चूज करना है. एक सेंडर है, एक डेस्टिनेशन है, तो सेंडर से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए बहुत सारे रूट्स हैं. उसमें से आप कौन सा रूट चूज़ करोगे, वो राउटिंग मैकेनिज़म्स होते हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग के एल्गोरिदम्स हैं जिसको यूज़ करके हम ये डिसाइड करते हैं कि जो रूट है वो कौन सा चूज़ करना चाहिए. और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेटवर्क लेयर की. ठीक है, सो दैट इज राउटिंग. सो देर आर डिफरेंट राउटिंग एल्गोरिदम्स दैट आर इम्प्लीमेंटेड. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दोज राउटिंग एल्गोरिदम्स इन डिटेल, तो आप वहाँ पर देख सकते हो. सो दैट इज राउटिंग. देन कम्स द ट्रांसपोर्ट लेयर.
अब देखो नेटवर्क लेयर में क्या हो रहा था कि सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी हो रही थी, कि सोर्स सिस्टम से लेके डेस्टिनेशन के सिस्टम तक, बट जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है। प्रोसेस इज द एप्लीकेशन रनिंग ऑन द सिस्टम, मतलब दो कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में अगर कोई एप्लीकेशन रन कर रही है तो उन दोनों एप्लीकेशंस के बीच का कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा, उन दो कंप्यूटर सिस्टम के बीच का कम्युनिकेशन नेटवर्क लेयर के थ्रू होगा। ठीक है, सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस टू प्रोसेस और सोर्स टू डेस्टिनेशन में क्या डिफरेंस है। सो अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो लॉजिकल एड्रेसिंग कर दी थी हमने सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस, अब हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली प्रोसेस का कोई एड्रेस चाहिए। तो प्रोसेस का एड्रेस होता है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। ठीक है, सो ये जो एड्रेस है ये भी एक हेडर की फॉर्म में ऐड होता है, और इसको हम बोलते हैं सर्विस पॉइंट एड्रेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पोर्ट एड्रेस। ना पोर्ट एड्रेस क्या होता है, इट इज़ अ पोर्ट नंबर एट विच दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज रनिंग। तो हर सिस्टम में कुछ एप्लीकेशंस को कुछ पोर्ट नंबर गिवन होते हैं, तो उन पोर्ट नंबर्स की मदद से आप प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कर सकते हो। सो अगेन ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, इट एड्स द हेडर और द पोर्ट एड्रेस इन द पैकेट्स रिसीविंग फ्रॉम द अपर लेयर। देन सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। सेगमेंटेशन क्या होता है कि जब मैं का मैसेज, सपोज ये मैसेज है पूरा और इसको मुझे एक सेंडिंग साइट पे भेजना है, तो मैं इसको इकट्ठे पूरा मैसेज नहीं भेजूंगा, मैं इसको बीच बीच में से ब्रेक कर दूंगा। सो दिस इज सेगमेंटेशन। सो सेगमेंटेशन क्या हुआ, इट इज़ इन दिस द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसमिटेबल सेगमेंट्स। देन रिसीविंग साइड पे क्या होगा, ये सेगमेंट मिला, पहला सेगमेंट मिला, ऐसे ही दूसरा मिला, तीसरा मिला और बाकी के सारे सेगमेंट्स मिले, तो इन सबको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रीअसेंबल करना होता है, रीअसेंबली। सो सेगमेंटेशन इज एट द सेंडिंग साइड एंड रीअसेंबली इज एट द रिसीविंग साइड। क्योंकि क्या होता है कि जो पूरा मैसेज है वो एक साथ आप नहीं भेज सकते, मैसेज की लेंथ अगर बहुत ज़्यादा तो आप एक साथ नहीं भेजते हैं, आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ते हैं और उन पार्ट्स को भेजते हैं। तो जो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ना हो गया मैसेज को, वो सेगमेंटेशन हो गया, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा करके एक पूरा मैसेज को दोबारा से रीजनरेट करना, वो रीअसेंबली हो गया। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज कनेक्शन कंट्रोल। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड दोनों हो सकती हैं। ठीक है, सो कनेक्शन लेस क्या होता है कि जब हम मैसेज भेजते हैं तो रिसीविंग साइड के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करते, सीधा मैसेज को भेजना शुरू कर देते हैं, जबकि जो कनेक्शन ओरिएंटेड है उसमें हम पहले कनेक्शन बनाते हैं, एक रिलायबल कनेक्शन क्रिएट करते हैं और उसके बाद ही हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। सो कनेक्शन कंट्रोल के अंदर आप दो पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, दैट इट कैन बी आइदर कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, देन द फोर्थ इज फ्लो एंड एरर कंट्रोल। जैसे यहाँ पे फ्लो एरर कंट्रोल हो रहा था, सेम फ्लो एरर कंट्रोल हम ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर भी करते हैं। ठीक है, सो सेम है कि कितने डाटा रेट से भेजना चाहिए, और एरर कंट्रोल में जो अगर कुछ एरर आ रहा है, रीट्रांसमिशन चाहिए या फिर बिट्स जो चेंज हो गई है, तो उसको हम कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। सो दैट इज़ अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर। सो सेशन लेयर। नाउ सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फंक्शंस, दो फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी, एक है डायलॉग कंट्रोल और एक होता है सिंक्रोनाइजेशन। डायलॉग कंट्रोल क्या होता है कि दो सिस्टम्स को सेशन लेयर एक डायलॉग मेंटेन करने की परमिशन देता है, फैसिलिटी देता है, और वो जो डायलॉग है, जो डायलॉग मतलब क्या है कि दो सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो जो डायलॉग है वो दो टाइप से हो सकता है, या तो वो हो सकता है हाफ डुप्लेक्स मोड में, या तो हो सकता है हाफ डुप्लेक्स मोड में। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि वन वे एट ए टाइम, एक बार में एक साइड का सिस्टम कम्युनिकेट करेगा, या हो सकता है ये फुल डुप्लेक्स मोड में। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, टू वेज एट ए टाइम, कि साइमल्टेनियसली दोनों सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज
डायलॉग कंट्रोल सिंपल दो सिस्टम्स के बीच को कम्युनिकेट करना, या तो हाफ डुप्लेक्स में या फिर फुल डुप्लेक्स में. नाउ सिंक्रोनाइजेशन इन सेशन लेयर इज टू ऐड, इट इज टू ऐड सर्टेन चेक पॉइंट्स. सो इन दिस इट इज एडिंग चेक पॉइंट्स. ठीक है. सो इसका देखो एग्जांपल क्या हो सकता है कि सपोज हमने एक मैसेज था और हमने उस मैसेज को कुछ नंबर ऑफ सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, तो सेशन लेयर क्या करेगा, सेशन लेयर कुछ सपोज 1 2 3 हर 3 सेगमेंट के बाद एक चेक पॉइंट डाल देगा. सपोज C1 देन 1 2 3 C2 1 2 3 C3 1 2 3 C4 ऐसे कुछ चेक पॉइंट्स डाल देगा. फिर जब ये ट्रांसमिट होती है तो रिसीविंग साइड पे भी सपोज ये वाला मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया. सो 1 2 और 3 सो हम चेक पॉइंट 1 तक पहुंच गए और इस चेक पॉइंट 1 की जो एक्नॉलेजमेंट है वो सेंडिंग साइड को मिल जाती है. तो सेंडिंग साइड क्या करता है कि वो इंश्योर कर देता है कि ये 3 पैकेट्स हमने, ये 3 सेगमेंट्स हमने सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर दिए. ठीक है. सो इस तरह से हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन करते हैं पैकेट्स की विद द हेल्प ऑफ सर्टेन चेक पॉइंट्स विच आर एडेड एट द सेशन लेयर. ठीक है. द नेक्स्ट लेयर इज प्रेजेंटेशन लेयर. सो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, इट डील्स विद द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज एक्सचेंज्ड बिटवीन टू सिस्टम्स. कि क्या उसका सिंटैक्स होना चाहिए, क्या उसका सिमेंटिक्स होना चाहिए, बेसिकली उसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये प्रेजेंटेशन लेयर देखता है. तो इसके जो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन है ट्रांसलेशन. ठीक है. सो जो प्रोसेसेस होते हैं दो सिस्टम्स के, वो बेसिकली एक्सचेंज किस फॉर्म में करते हैं इन्फॉर्मेशन को, करेक्टर स्ट्रिंग्स नंबर्स होते हैं. सो बेसिकली ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वो ट्रांसमिट करते हैं. बट बिफोर ट्रांसमिशन दोस थिंग्स शुड बी चेंज इनटू अ बिट स्ट्रीम. क्योंकि कम्युनिकेशन जब होता है दो सिस्टम्स में वो तो बिट्स की फॉर्म में होता है. तो यूज़र अगर टाइप कर रहा है स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो वो स्ट्रिंग पहले बिट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी. और वो ट्रांसलेशन किस टाइप में कन्वर्ट होगी, कैसे कन्वर्ट होगी, किस एल्गोरिथम से कन्वर्ट होगी, वो सब प्रेजेंटेशन लेयर डिसाइड करता है. ठीक है. सो इट इज़ बेसिकली कन्वर्टिंग टू द कंपैटिबल बिट स्ट्रीम. सो मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, कन्वर्टिंग अ मैसेज टू कंपैटिबल बिट स्ट्रीम. ठीक है. एक कंपैटिबल बिट स्ट्रीम के अंदर अगर मैसेज को कन्वर्ट करना है तो वो हम प्रेजेंटेशन लेयर पे करते हैं. देन इंक्रिप्शन, अगर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हो तो उसको इंक्रिप्ट करना है और उसको फिर डिक्रिप्ट भी करना है रिसीविंग साइड पे, तो वो सब प्रेजेंटेशन लेयर का ही पार्ट होता है. सो इंक्रिप्शन मीन्स, इंक्रिप्शन मीन्स कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट बेसिकली होता है ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट, टू साइफर टेक्स्ट. और इसी का उल्टा, यहाँ से यहाँ तक आना, साइफर से प्लेन टेक्स्ट तक आना, ये कहलाता है डिक्रिप्शन. इंक्रिप्शन होता है सेंडिंग साइड पे और डिक्रिप्शन होता है रिसीविंग साइड पे. ठीक है. देन कंप्रेशन, कि जो बिट्स हैं उसको हम कंप्रेस करते हैं ताकि जो हमारी बैंडविड्थ है जब हम मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं वो कम से कम यूज़ हो. तो अगर जब हम टेक्स्ट भेज रहे हैं, ऑडियो भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, तब हम अपनी इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, उसको कंप्रेस करना चाहते हैं. सो वो होता है कंप्रेशन. सो इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स कंटेंट इन द इंफॉर्मेशन. सो इट इज टू रिड्यूस और रिड्यूसिंग नंबर ऑफ बिट्स कंटेंट इन द इंफॉर्मेशन. देखो बट कंप्रेशन से आपकी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, बट इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी नंबर ऑफ बिट्स चाहिए वो कम हो जाती हैं. देन द लास्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर.
Now it enables the user, whether a human or software, to access the network. Basically, network को access करने के लिए जो जितने भी softwares चाहिए होते हैं, जितने भी protocols चाहिए होते हैं, वो सब application layer के ऊपर होते हैं. सबसे पहले है network virtual terminal. It is a software version of a physical terminal. So पहले जो function है इसका वो है network virtual terminal. It is a software version of physical terminal. ठीक है, और इसकी मदद से क्या होता है कि यूज़र एक रिमोट होस्ट के ऊपर लॉगिन कर सकता है, रिमोट सिस्टम के ऊपर लॉगिन कर सकता है. सो रिमोट होस्ट होस्ट लॉगिन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड, इज फैसिलिटेटेड भी लिख सकते हैं. सो यह है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल. उसके बाद जितने भी, अगर आपको फाइल ट्रांसफ़र चाहिए, आपको फाइल को एक्सेस करना है, फाइल को मैनेज करना है, तो वो सब भी एप्लीकेशन लेयर पे होता है. देन डिफरेंट ईमेल्स, ईमेल्स को फॉरवर्ड करना, ईमेल्स को स्टोर करना, वो सब एप्लीकेशन लेयर पे होता है, ईमेल सर्विसेज. और जो डायरेक्टरी आपकी डाटाबेस की सोर्सेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब भी एप्लीकेशन लेयर कर रहा है. सो बेसिकली जितना भी सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, वो सब हम एप्लीकेशन लेयर के ऊपर डाल देते हैं. सो दैट इज़ एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, सो दिस आर द 7 लेयर्स. और इन 7 लेयर्स की फंक्शंस भी हमने देखे हैं, और आपको ये सारे फंक्शंस याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मली यही होता है, दैट एक्सप्लेन OSI मॉडल विद फंक्शंस ऑफ ईच लेयर. तो आपको ये सारे फंक्शंस याद होने चाहिए. ठीक है, सो अगर एक हम उसमें देखें, एक बार दोबारा से अगर मैं बनाता हूँ सारे फंक्शंस और सारी लेयर्स और उनके फंक्शंस, देखते हैं कि होते क्या हैं एक्चुअली. तो देखो, ऊपर से करना शुरू करते हैं. एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक एंड फिजिकल. और कैसे याद किया? ऑल पीपल सीम्स टू नियर डोमिनोज पिज़्ज़ा. ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन लेयर क्या कर रहा है. एप्लीकेशन लेयर तो सिंपल आपका सारे सॉफ्टवेयर वाला पार्ट हो गया, या फिर नेटवर्क को एक्सेस करना. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेटवर्क एक्सेस. देन इसके बाद आता है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर में हम क्या कर रहे हैं? इंक्रिप्शन. सो इंक्रिप्ट, कंप्रेस. देन सेशन लेयर आती है. सेशन लेयर क्या करता है? डायलॉग कंट्रोल था, सो इट एस्टैब्लिशेस और मैनेजेस द सेशंस. सो यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं मैनेज सेशंस. देन ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको सिंपल एक चीज़ याद रखनी है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती है. जब भी आप ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में लिखोगे, आपको ये पॉइंट जरूर मेंशन करना है दैट इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी. और प्रोसेस टू प्रोसेस जैसे ही आया, आपको याद हो जाना चाहिए कि ये पोर्ट एड्रेस को ऐड करता है, पोर्ट नंबर को ऐड करता है. देन नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर इज सोर्स टू डेस्टिनेशन. अब सोर्स टू डेस्टिनेशन है मतलब सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, और नेटवर्क लेयर के अंदर हम राउटिंग भी करते हैं. देन डाटा लिंक लेयर में सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये मैसेज को, बिट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है. एंड इसके बाद ये क्या करता है? फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल. देन फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाटा रेट, ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मोड. सो आपको इतना मतलब याद होना चाहिए बेसिकली कि हर लेयर का मेन फीचर क्या है, मेन फंक्शनैलिटी क्या है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द OSI मॉडल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.